कोरोना संकट की वजह से पिछले एक साल से देश में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेला गया। अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का सभी को इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हो गया है, जिसमें टीम इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी कर रही है। लंच का समय होने तक इंग्लैंड ने अपने दो विकेट गंवा दिए हैं, जबकि भारत से दो अहम विकेट लेने वाले खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन हैं। जसप्रीत बुमराह के लिए विकेट बेहद खास था, क्योंकि उन्होंने अपनी सरजमीं पर यह पहला टेस्ट विकेट लिया है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुरू होने जा रहे पहले टेस्ट मैच में दर्शक आपको नहीं दिखेंगे। महामारी के कारण पहला टेस्ट खाली स्टेडियम में दर्शकों की गैर मौजूदगी में खेला जाएगा, लेकिन सरकार के नए दिशा निर्देशों के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने दूसरे टेस्ट मैच में स्टेडियम की क्षमता 50% दर्शकों को अनुमति दे दी है। दूसरा मैच भी यहीं खेला जाने वाला है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए 2-1 से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज पर भारतीय टीम ने कब्जा जमाया था। नियमित कप्तान विराट कोहली ने फिर से टीम की कमान इस इंग्लैंड की सीरीज में संभाल ली है। कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम को जो रूट की कप्तानी में आई इंग्लैंड टीम से कड़ी चुनौती मिलने के आसार हैं। और हाँ, ये जरूरी बात आप ध्यान से सुने, क्योंकि जो भी इस टेस्ट सीरीज को जीतेगा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेलते हुए नजर आएगा। ताजा जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ।